नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, आज मैं आपको इस कंक्रीट मिक्सर मशीन में जो इंजन लगा है उसके 5 kV डीजल इंजन का ऑयल सर्विस कैसे होता है दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर इसका चेंबर ऑयल बोल्ट लगा है, बोल्ट को ओपन कर देंगे और इंजन ऑयल इस तरह से निकल जाएगा। यहाँ पर इस प्लेट को बाहर निकालेंगे और इसके अंदर जो भी बचा हुआ ऑयल है उसे अच्छे से साफ कर लेंगे। इस तरह से ऑयल को निकालेंगे। और यहाँ पर इसका डीजल फिल्टर लगा है। डीजल फिल्टर ओपन करने से पहले इस मेन डीजल पाइप को ओपन कर देंगे। और इसे ऊपर कर देंगे जिससे डीजल नहीं निकालना होगा। और 10 नंबर रिंच से डीजल फिल्टर के नट को ओपन कर लेंगे। इस तरह से डीजल फिल्टर निकल जाएगा। यह इसका डीजल फिल्टर है, इसे चेंज करेंगे। यह इसका ऑयल जाली है जो बाहर निकल गया था, इसे भी लगा लेते हैं। इसके पेच को अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अब इसके प्लेट को लगा लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से इनाबॉन्ड लगाकर प्लेट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। और यहाँ पर इसका एयर क्लीनर है, इसे भी ओपन करके साफ कर लेते हैं। जाली अभी ठीक है। यहाँ से इंजन ऑयल पड़ेगा, इसे ओपन कर लेते हैं। ये वेलवेक्स कंपनी का PSOBW40 ऑयल है, इसे डालेंगे। ये 3.5 लीटर पैक में है, इसमें पूरा ऑयल पड़ जाएगा। और ये डीजल फिल्टर है, इसे लगाएंगे। डीजल फिल्टर को अच्छे से साफ कर लिया हूँ। ये इसका स्प्रिंग है। स्प्रिंग के बाद इस वाशर को लगाएंगे, उसके बाद इस डीजल फिल्टर को लगाएंगे। डीजल फिल्टर इस तरह से लगेगा। डीजल फिल्टर के ओरिंग को लगाकर डीजल फिल्टर को लगाएंगे। यह इस तरह से डीजल फिल्टर लगेगा। नट को अच्छे से टाइट कर लेते हैं। इसका मेन डीजल पाइप जाम था तो नए पाइप को लगा लेता हूँ।
डीजल पाइप इस तरह से लग जाएगा। अब इसके चेंबर बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लेते हैं। टंकी में डीजल डालने के बाद डीजल फिल्टर का एयर निकालेंगे। यहाँ से इसका एयर निकलता है। जब डीजल साफ आने लगेगा तब एयर स्क्रू को टाइट कर देंगे। एयर क्लीनर को अच्छे से साफ कर लेते हैं। इंजन में यहाँ से ऑयल को डालेंगे। इसमें पूरा 3.5 लीटर ऑयल पड़ता है। इसमें आप ब्रांडेड कंपनी का कोई भी इंजन ऑयल डाल सकते हैं। एयर क्लीनर को टाइट कर लेते हैं। गेज को नाप लेते हैं। यह दूसरे निशान के लगभग ऑयल बता रहा है। ऑयल ठीक है। अब इसे टाइट कर लेंगे। इसके ऊपर वाले प्लेट को लगा लेते हैं। अब इंजन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरह से इसके इंजन ऑयल की सर्विस होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।